गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर हैविंग अमेजिंग डे। यहाँ भी इस पेड़ में फूल आना चालू हो गए हैं। पिंक कलर का फ्लावर है और बहुत सुंदर दिख रहा है। बहुत छोटे छोटे आने स्टार्ट हो गए। ये आज ही मैंने देखा है, रोज रिकॉग्नाइज नहीं करती मॉर्निंग वॉक में, आज नज़र पड़ी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत यम्मी फिश बिरयानी, तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। फिश को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, सरसों का तेल, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और लिया है सलमन फिश एंड दही। अब फिश में सबसे पहले मैं दही को डाल रही हूँ, उसके बाद डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसके बाद डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, अब डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और साथ ही डाल रही हूँ धनिया पाउडर, इसके बाद डाल रही हूँ नमक। अभी इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले फिश में चारों तरफ लग जाए और बहुत अच्छे से फिश मैरिनेट हो जाए। ये देखिए ऐसे। अब डाल रही हूँ सरसों का तेल और सरसों का तेल डालने के बाद भी अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि सरसों का तेल और सारे मसाले इवनली फिश में कोट हो जाएं और एक दूसरे से मिक्स हो जाए। अब इसे मैं हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। बरिश्ता बनाने के लिए मैंने अनियन को काट लिया है पतला पतला लंबा लंबा। अब इसे मैं अलग अलग कर लूँगी। ऐसे करने से बरिश्ता बहुत अच्छे से बनता है। और बरिश्ता बनाने के लिए मैंने अनियन के साथ लिया है थोड़ा सा तेल ताकि उस तेल में मैं इसे फ्राई करूँ। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है तो मैं अनियन को धीरे धीरे ऑयल में डाल दूंगी और इसे मैं चलाते रहूंगी, बीच बीच में चेक करूंगी कि ये जले ना, और हीट मैंने मीडियम हीट रखा है। इसे मैं बीच बीच में चला रही हूँ ताकि जले मत और इजीली मुझसे हैंडल हो जाए। देखिए प्याज धीरे धीरे ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, तो अब मुझे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और उसे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये जल्दी से टर्न हो जाएगा ब्राउन में और जल जाएगा। तो इसे चलाते ही रहूँगी मैं अभी। देखिए कैरमलाइज हो गया है। अब मैं इसे इसी स्टेज में निकालूंगी क्योंकि अनियन को बाहर निकाल दूंगी, उसके बाद भी वो थोड़ा सा कुक होगा और कलर चेंज करेगा। यहाँ पे मैंने बरिश्ता को निकाल लिया है पैन से और देखिए ये कलर चेंज कर रहा है। ये अब ऑलमोस्ट रेडी है। इसे मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूंगी, तो ठंडा हो जाएगा तो पूरा रेडी हो जाएगा। अब बिरयानी में लेयर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सामान ले लिया है। उसमें लिया है मैरिनेटेड फिश, घी, केवड़ा वाटर, बिरयानी मसाला, सेफ्रान वाला मिल्क और बरिश्ता। यहाँ पे मैंने एक हांडी ली है जो मोटे तले की है। इस बर्तन में मैंने घी चारों तरफ फैला दिया है। इसके बाद फिश के पीसेस को तले में अरेंज कर दिया है। उसके बाद ये जो मसाला है इस पैन में, इसे भी डाल रही हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट हाफ कप है। राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है राइस, नमक, जावित्री, सहजीरा, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और हरी वाली इलायची, तेल और गरम पानी।
अब एक पैन को गरम कर लिया है और उसमें तेल डाल रही हूँ। अब पैन में ऑयल गरम हो गया है तो मैं इन सारे मसालों को इसमें डाल दूंगी और धीरे धीरे मिक्स करूंगी और ध्यान रखूंगी कि मसाले जल जाएं। इस मसाले को मैं 1 से 2 मिनट तक तेल में ऐसे पकाऊंगी और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। इसे थोड़ा हिलाते रहूंगी ताकि जले ना। अब यहाँ पर मैं गरम पानी डालूंगी इसमें। जब भी तेल में पानी डालें बहुत केयरफुली और आराम से डालें, नहीं तो इसे ठंडा कर लें फिर डालें, क्योंकि मैंने डाला तो बहुत तेज आने लगा, इसलिए इसे पैन को ठंडा कर दें फिर उसके बाद पानी डालें। अब इसे मैं उबलने के लिए लगाती हूँ और इसे ढक दूंगी साथ में। पानी हल्का हल्का उबलना स्टार्ट हो गया है तो इस पर नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से बॉयल करूंगी। यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है तो इसमें मैं राइस को डाल दूंगी। ध्यान दे आराम से धीरे से डालना है, नहीं तो ये पूरा पानी ऊपर आता है और जलने के चांसेस हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। अब मैं इसे चला रही हूँ और ध्यान रखूंगी कि चावल सिर्फ 75% तक कुक हो, उससे ज़्यादा ना कुक हो, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा और बिरयानी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। अभी ये राइस अप्रॉक्सीमेट 75% कुक हो गया है, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए ये ऐसे टूट रहा है, बस इतना ही टूटना चाहिए। मैंने गैस ऑलरेडी बंद कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं बरिश्ता का एक लेयर लगाऊंगी, चारों तरफ बरिश्ता को स्प्रिंकल करना है इस तरीके से। अब इसके बाद मैं बिरयानी मसाला इन स्प्रिंकल कर दूंगी। ये बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, घर में खुद से भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर राइस का लेयर कर दूंगी, ऐसे चारों तरफ से स्प्रिंकल करूंगी। इसके बाद थोड़ा सा बरिश्ता और स्प्रिंकल कर दूंगी। उसके बाद बचे हुए राइस को फिर से इसके ऊपर चारों तरफ फैलाते हुए डाल दूंगी। अब इसके ऊपर बरिश्ता का एक और लेयर स्प्रिंकल कर दूंगी चारों तरफ अच्छे से। अब यहाँ पे ये जो केसर वाला मिल्क था वो भी डाल दूंगी ताकि बहुत अच्छा कलर आए, और साथ ही केवरा वाटर को भी डाल दूंगी और इसे मैंने ढक दिया है। अब गैस को मैं 5 मिनट तक हाई हीट में रखूंगी और उसके बाद 25 मिनट तक एकदम सिम में रखूंगी, गैस का सबसे लोएस्ट पार्ट। अब मैं इस पतीले में एल्युमिनियम फॉइल लगा दूंगी और ढक्कन से ढक दूंगी, और ऐसा एल्युमिनियम फॉइल लगाना है कि कहीं से भी एयर ना लीक हो। अब इसको 5 मिनट तक हाई हीट में रखूंगी और उसके बाद 25 मिनट तक लोएस्ट हीट में रखूंगी गैस के। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब चलिए चेक करते हैं कि बिरयानी कैसे हुआ। अब इसे मैं एक प्लेट में निकालूंगी, चेक करके भी दिखाती हूँ कि बिरयानी कैसी हुई। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, सूखा हुआ है, तो इट मीन्स कि बिरयानी पक गई है। और अगर आपको पानी लगे तो खुला रख करके इसे और कुक कर सकते हैं। देखिए इसे मैं दूसरे पैन में दूसरे बर्तन में निकाल करके दिखाती हूँ। ये है आज का हमारा लंच, फिश बिरयानी और बटर मिल्क, साथ में पिकल, मैंने गंगोरा लिया और महेंद्रू ने टमाटो। इस साइड से दिखाती हूँ, ये महेंद्रू का है प्रिया पिकल टमाटो को और मेरा गंगोरा, और ये मैंने चटनी जैसी बनाई थी, सारे जो सॉस है रेड सॉस उसको मिक्स करके। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं आज का लंच। कनक फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है चिकन लॉलीपॉप, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो अभी ट्राई कर रही है। तो पहले वाले पीस का कचूमर निकल गया, उसके बाद सेकंड ऑनवर्ड से सी इज ऑन ट्रैक, गुड सी डिड गुड जॉब, इज द फर्स्ट टाइम सी इज डूइंग।
और मुझे चिकन लॉलीपॉप बहुत पसंद है, बहुत। 4 साल से मैंने खाया नहीं, जब से यूएसए में 4.5 साल हो गया। तो नाउ मैंने सोचा कि ये बनाया जाए। कॉस्को से मंगाया था विंग्स, और मैंने सोचा कि चलो अब ये ट्राई किया जाए। ये मुझे रेसिपी चैनल में भी डालना है और डेली ब्लॉग में भी। मैंने बोला इसी बहाने हम नया चीज़ खाएंगे, अपने हाथों से बना और खाऊं। आपको पसंद है चिकन लॉलीपॉप? मेरे को बहुत पसंद है। मैं कितना ढूंढी ना, इस बार इंडिया गई थी तो कितना बेकार बेकार मिला, राइट? हमें ठीक से जगह नहीं मिल पा रही थी। हम जहाँ खाते थे वहाँ कुछ जगह पे बंद हो गया था, फिर हम लोग भी इतना हड़बड़ में थे कि टाइम नहीं हो रहा था कि हम जहाँ खाते थे वहाँ जाए। टाइम कम पड़ गया था। तो ये मेरा ऑलमोस्ट बन गया है, अभी 2 पीस रिमेनिंग है, तीसरे पे काम चालू है। ये अच्छे से निकल गया है। पहला वाला बस खराब हुआ, बाकी सब अच्छे से। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था ना कि किस तरफ से निकालना है। मैं जस्ट देखा था, मैंने वीडियोस में ही देख देख करके किया यूट्यूब से। तो और पहले भी देखा था, बनाने का सोचा था, फिर डेयरिंग नहीं कर पाई थी। बट आज तो मैंने बोला कि चलो बना ही लिया जाए। और वैसे भी सारी ग्रीन सब्जियां खत्म हो रही हैं, ऑलमोस्ट हो गई, बस सैलेड का ही आइटम बाकी है। तो ठीक है, चलो। यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक का दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करूँगी, और अच्छे से मसाज करना जरूरी, नहीं तो इसमें जो क्या बोल रही एक स्मेल और फ्लेवर रहता है वो फिर नहीं जाता है अगर मसाज नहीं करोगे तो। और अभी मैं शाम को कर रही हूँ, तो मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखूँगी और फिर कल बनाऊँगी। ये देखिए, थोड़ा और डालती हूँ, क्योंकि लॉलीपॉप में जिंजर और गार्लिक का ही मेन फ्लेवर रहता है, और चिली, ये 3 चीज का ही मेन फ्लेवर रहता है। और मैं इसको बेक करके बनाऊंगी, नॉट डीप फ्राई, तो आई थिंक हेल्दियर वर्जन रहेगा। तो ये मैंने मैरिनेट कर दिया। जो फर्स्ट वाला ख़राब किया था मैंने, उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट में मैरिनेट कर दिया। इसको मैं सैलेड के ऊपर एज ए टॉपिंग डाल दूँगी। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने चिकन को शेप में कर लिया है, विंग्स से मैंने उसको लॉलीपॉप बना लिया है, और रात को मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया था। मैरिनेट मैंने किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट में। अब मैं आगे इसे बनाऊंगी। सेकंड लेवल के मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं, जिसमें है ये सिराचा। सिराचा अगर आपके पास नहीं है तो आप रेड चिली पेस्ट ले सकते हैं या बना सकते हैं। उसके साथ ही लिया है वेनेगर, ये चिली वेनेगर है। फिर लिया है टमाटो केचप। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी चाहिए। उसके बाद लिया है नमक, और उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर क्रश करके डाल दिया है। थोड़ा सेजवान सॉस भी डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब जो ये सॉस मैंने बनाया है, उसमें चिकन को अच्छे से कोट कर रही हूँ, और 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो ये एक एक करके मैं इसको कोट कर रही हूँ, ताकि चारों तरफ अच्छे से लगे। अभी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है, ये देखिए। अब इस मैरिनेटेड लॉलीपॉप में मैं कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। कॉर्न स्टार्च डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें क्रिस्पी और क्रंची फ्लेवर नहीं आएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी कॉर्न स्टार्च में भी मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसे कास्ट आयरन के पैन में एक एक करके रख दूंगी। अब ये कास्ट आयरन के पैन में अरेंज हो चुका है। ओवन को मैंने 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट कर दिया है, और इसे मैंने 30 मिनट तक इसी हीट में कुक किया है, और एक बार मैंने इसे पलटाया भी है। इसके बाद बॉयलर को हीट करके 5 मिनट तक बॉयलर में रखा है। चिकन लॉलीपॉप रेडी है, इसे मैंने सेजवान सॉस के साथ सर्व किया है।
और ये बहुत टेस्टी बना है। हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।